प्रेज़ द लॉर्ड। जिन से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिकृत नाम है सब पवित्र नाम में वसे रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें अमर हुई एक दिन एकत्रित किया। सच में प्रभु की उपस्थिति में जब एकत्रित होता है तो कितना आनंद होता है। प्रभु की उपस्थिति में मिलने वाला आनंद कहीं नहीं मिलेगा, है ना। जब भी मतलब प्रभु के लिए जो लोग भागते हैं उनके दिल में एक बड़ा तड़प रहता है, मैं कब प्रभु की उपस्थिति में आऊँ, है ना, उस प्रभु को मतलब महिमा करूँ। क्योंकि वो प्रभु ने हमको मतलब दुनिया की हर एक गंदगी से छुड़ाया, है ना। ये दुनिया इतना श्रापित दुनिया से प्रभु ने हमको बचा लिया। अपन कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया में रहने वाले लोग सच्चा आशीष क्या है वो नहीं समझता, है ना। लोग आशीष जो समझता है वो दुनिया का सब बातें, नाश होने वाला दुनिया, जल जाने वाला दुनिया, है ना। अभी मतलब लूत का पत्नी एक नज़र मुड़ कर देखा है, जो भी संपादन किया था उसका क्या अवस्था है, है देखा और देखते देखते खत्म हो गया है। मतलब ये दुनिया की तरफ देखने वालों का ऐसे नाश होने वाला है। दुनिया की बात अच्छा लगने वाला लोगों का नाश होने का एक अच्छा दृष्टांत है लूत का पत्नी, है ना। प्रियो हमारे जीवन में हम वास्तव में आशीष दे क्या, हम किस बात को आशीष समझता है ये बात को जानना, है ना। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में आ पाया ये सबसे बड़ा आशीष है। प्रभु का जो अनुग्रह बिना प्रभु के निकट कौन आ सकता। मतलब आज भी प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि मुझ पर है, इसलिए प्रभु मुझे प्रभु की उपस्थिति में आने दिया, प्रभु मेरे लिए मार्ग खोल कर दिया। इसके लिए प्रभु ने मुझे सुबह ने जगाया और तैयारी करवाया और प्रभु लेकर आया। एक एक दिन मानव प्रभु का सहायता मिलते बिना कोई प्रभु के निकट आ ही नहीं सकता कभी भी, है ना। कोई भी कारण से हम प्रभु से दूर जा सकता है। हमारा मन मतलब दुनिया के ओर अगर भग गया तो गया, परंतु उसमें भी ऐसा ना होते हुए प्रभु संभालता, प्रभु हमको बचाता, है ना। सही प्रकार आज मतलब दुनिया का जो दृष्टि पूरा दुनिया के ओर है ना, दुनिया में कैसा बड़ा स्थान पाएगा, बड़ा नाम पाएगा, है ना, दुनिया का सुख कैसे मतलब ले सकता, वो बात है। पर जो एक आत्मीय जन बोलता है नहीं, मुझे जो भी नष्ट होगा तो भी मुझे प्रभु चाहिए, ये एक मतलब ये दृष्टि और हमारा नहीं बना उनका आत्मीय जीवन धोखा खाएगा। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज मतलब मैं आपको जो बताने वाला बात कर आशीष बोलेगा तो मतलब वो आर्थिक है या आत्मिक है, है ना। मतलब आशीष बोलेगा तो आर्थिक है या आत्मिक है, किस बात है, है ना। ये बात के बारे में मतलब आज अधिकतर लोग मतलब बहुत संबंध बनने की इच्छा में है, दुनिया की संबंधता आर्थिक आशीष के पीछे मतलब बहुत प्रभु का लोगों भी उनका मन भाग जाता, इसलिए बहुत लोगों के पास टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि उनको आर्थिक आशीष आत्मिक आशीष से बढ़कर अच्छा रहता है। मतलब प्रभु को प्रभु का उपस्थिति का महत्व को जानने वाला ही दुनिया का बात को तुझे समझ सकता है, नहीं तो जरूर ये मतलब उनको उनका चुनौती में धोखा खाता। रोज हमारे जीवन के सामने चुनौती आता है ना, और किसी प्रकार भी मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु को उपस्थिति चाहिए, ये निर्णय पक्का चाहिए। अभी एक समय में जब एफेसियों दूसरा अध्याय का 13 वचन में हम देखता है, एफेसियों 2:13, देखा देखिए अभी हम कहां पर आया, प्रभु के निकट कैसे, प्रभु का लघु के द्वारा। इसको अरे यीशु मसीह ने लघु भाया, प्रभु ने बड़ा दाम दे करके हैं हमको ये दुनियादारी से बचाया। फिर ये कितना श्रेष्ठ बात है, हमें ये बात को समझना कितना जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो अगर प्रभु दे आशीष देता है वो दुनिया का आशीष है, तो अंबानी सबसे अच्छा प्रभु का दोस्त है, टाटा बिरला
बजाज कंपनी मतलब बोलो दोस्त है ऐसे ही क्या नहीं है, वो नहीं परिवार सच्चा आशीष है ना। दुनिया की दुनिया से नास्तिक लोग है जो प्रभु को ही मानते नहीं, कितने धनवान लोग है, वो आशीष है क्या नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में हम पहले प्रभु से दूर थे पर तो अभी काम रहे के निकट है। मैं आपको बोलता हूँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में प्रभु के निकट रहे ना, निकट प्रभु लाता है। ओए अभी आपको मालूम है मतलब अभी अपना प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी साहब के पास कौन निकट आ सकता, जो दुनिया की रीति का इसी प्रकार प्रभु के निकट कौन आ सकता, आत्मिक धनिक लोग, आत्मिक धनिक लोग। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु ऐसा लोगों को मतलब उस अवस्था में हमें बनाए, ये बात का हमें चाहत होना चाहिए। इसलिए मतलब मैं कुछ बात आत्मीय अनुग्रह का खास कुछ बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि हम लोग आया हुआ समय मतलब बहुत बिगड़ा हुआ एक समय, लोग इस बात को समझने में पहचानने में उनसे नहीं हो रहा है ना। एक बार आपको मालूम है एक बार जब याकोब प्रभु की आज्ञा के अनुसार माना लाबान के घर से निकला वापस जा रहा था, तब वो याबोक नदी को पार करके वहां पर सबको पार करने के बाद में अकेला रहा। अकेला रहने के टाइम पर वहां पर एक लड़ाई हुआ, एक युद्ध हुआ। वो युद्ध के समय में याकोब से याकोब लड़ाई किया या दूध ने लड़ाई किया, याकोब ने नहीं दूध ने याकोब से लड़ाई किया है ना। मतलब बहुत बार लोग ऐसे समझता है मतलब याकोब ने नहीं लड़ा, दूध ने याकोब से लड़ा। देखो प्रभु हमको ये बात समझाने के लिए प्रभु को कितना लड़ना पड़ता है, आप देखिए प्रभु हमें सीधे चाल चलाने के लिए प्रभु को, लेकिन आशीष पाते बिना नहीं छोड़ेगा, वो एक जीत याकोब का था। लेकिन जब हम उसका उत्पत्ति 32 अध्याय का 24 हो जाए और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। देखा कौन आया, एक पुरुष बोलेगा तो प्रभु खुद उसके साथ मल्लयुद्ध कर रहा था। देखा याकूब के साथ मल्लयुद्ध किया, याकूब ने उससे मल्लयुद्ध नहीं किया, उसने याकूब से मल्लयुद्ध किया। लेकिन ये मल्लयुद्ध में अभी वो जाना चाहा तो भी याकूब छोड़ना नहीं चाहता, ये एक बड़ी बात है। आप देखो एक प्रकार ऑनलाइन प्रेयर था क्या था ऑनलाइन प्रेयर पूरे रात, क्योंकि वहां पर वो शब्द बोलता है पूरा रात अभी ये लड़ाई चला ऑनलाइन प्रेयर, समझो आया ऑनलाइन प्रेयर में लोग आता ही नहीं। हाँ वहां पर उसके 26 हो जाए उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। हाँ देखा मुझे जाने दे अभी बोर होने वाला, मतलब पूरा रात में लड़ाई चला ऑनलाइन प्रेयर था मतलब इस लड़ाई में अभी याकूब प्रभु को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। याकूब क्या बोलता, हाँ याकूब ने कहा हाँ जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हाँ देखा देखा आप देखिए जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उन्होंने कौन सी आशीष मांगा, आर्थिक, अरे आर्थिक मतलब याकूब के पास कोई कमी है क्या, याकूब को उस समय में 11 संतान है, संतान मांगा नहीं, याकूब को उसके आगे इतना बड़ा दल है इतना संपत्ति है। देखा वो संपत्ति को नहीं मांगा, ये एक बड़ी बात है। वो हमेशा आत्मिक आशीष मांगता था अपने जीवन में, ये बातों को जानना बहुत जरूरी बात है। याकूब का लक्ष्य आत्मिक आशीष था, याकूब को दुनिया की बातों में कोई कमी नहीं था, प्रभु ने उनको इतना आशीष किया है। बच्चों का कोई कमी है क्या, 11 बच्चा उस समय में था, 11 बच्चा उस समय में था, इसका मतलब उनकी चाहत आत्मिक आशीष था। वो बोलता है मतलब मुझे आशीष देते बिना, देखा है वो आशीष के लिए आपको मालूम मतलब जब होशे नबी किताब
उसका 12 अध्याय उसका 4वां पद। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। और जीत भी गया। देखो, दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। देखा, गिड़गिड़ा करके विनती किया। प्रियो, याकूब का दिल में हमेशा आत्मीय जीवन का प्रति एक बड़ा भूख प्यास ना। प्रभु वो देख करके याकूब को वो आशीष दिया। उसका उत्पत्ति 32:28 उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रबल हुआ, देखा अभी प्रभु ने क्या किया, उसको आशीष दिया। क्या आशीष दिया? आत्मिक आशीष, आत्मिक आशीष। देखिए, अभी तेरा नाम क्या रहेगा? इस्राएल। परमेश्वर का मतलब प्रभु का प्रभु, परमेश्वर का प्रभु। देखिए कितना अनोखा एक पद मिला, एक नाम मिला। वह उसका नाम को ही प्रभु ने बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु जब आशीष देता है तो कैसा आशीष देता है देखिए। प्रभु का आशीष कितना श्रेष्ठ है। ऐसा एक नाम मिलना बोलेगा तो एक कितना आशीष की बात है। याकूब अपने जीवन में हमेशा आनंददा किया और उनका दर्शन था, उनके लक्ष्य पूरा आत्मिक आशीष था। इसलिए उन्होंने जब पलौटा का पद लेने के लिए अगर मालूम है, ये एक बड़े आशीष की बात है। पलौटा का पद लेने के लिए उसने क्या किया? उसने खीर पिला करके उन्होंने वो पलौटा का पद ले लिया। देखा, बोलेगा तो दुनिया उनको दिया और आत्मिक आशीष कौन को दिया? देखा कितने बड़ी बात है। याकूब का दृष्टि हमेशा आत्मिक बातों पर लगा रहा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। उन्होंने उनको क्या पिलाया था? खीर पिलाया। आप देखिए, मतलब ये जो पलौटा का बात वो आत्मिक आशीष का एक छाया है, ठीक है ना। और खीर जो है वो आर्थिक आशीष का एक छाया है। इसका मतलब आर्थिक आशीष देकर के भी आत्मिक आशीष को पाना एक आत्मिक जन का एक कार्य है या उनका लक्ष्य है। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है। और आपको मालूम है, मतलब जो पलौटा का जो पदवी वो किसको दिखता नहीं, परंतु खीर दिखता है। खीर दिखता है, दिखने वाली बात है, क्योंकि वो मनुष्य से उत्पन्न है, मनुष्य का उत्पत्ति है। परंतु पलौटा का बात परमेश्वर का उत्पत्ति है, वो परमेश्वर के ओर से मिलता है। देखो आशीष कैसा है, उसका महत्व क्या है, ये बात को याकूब पहले से सब जानता था, है ना। मतलब मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु की ओर से है ये पलौटा का पदवी, मनुष्य की ओर से है खीर। देखा, तो प्रभु की ओर से मिलने वाला उस आशीष के लिए याकूब का दिल तड़पता था। इसलिए जब अवसर आया, मतलब खीर क्या है, उस समय की थोड़ी समय की मतलब खुशी है, परंतु पलौटा पद जो है हमेशा का खुशी है। देखा, थोड़ी समय का खुशी भेज करके हमेशा का खुशी पाना ये भी एक आत्मिक जन का एक अच्छा चिन्ह है। देखो प्रियो, कितने बड़ी बात है। उनका लक्ष्य पूरा आनंददा है, उनके लक्ष्य पूरा ये छोटा सा जीवन नहीं, आनंददा की बात है। देखो, ये एक आत्मिक प्रकाश है। मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मतलब उस अनुग्रह आज हमको मालूम है, ये पलौटा का वो पदवी कैसे मिलता? जन्म की द्वारा, जन्म की द्वारा। तो आज हमको हमको पलौटा का पदवी मिला ना जन्म की द्वारा। एक प्रकार मतलब याकूब 1:18 में क्या बोलता, याकूब 1:18 उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। देखा, प्रथम फल, प्रथम फल बोलेगा तो पलौटा। प्रथम फल बोलेगा तो पलौटा।
देखा, ऐसा अनुभव में प्रभु ने हमको लाया। समझ पा रहा है प्रियो? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मतलब ये वीडियो के लिए तक वो बहुत आशीष की बात है, ये जो पर्यटन का पदवी में आया करके जो बताएगा तो अपने जीवन में दुनिया के लोग इस बात को इतना गहराई में सोचता नहीं। प्रभु ने एक एक बात समझाने के टाइम पर बहुत विस्तार से आपको मालूम है, जब एक किसान उसको बहुत उपज हुआ, उन्होंने क्या सोचा है ना, पढ़ेगी उसको लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 16 से 21 वचन। उसने उसे दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इतनी रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी पथरिया तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। देखिए प्रियो, इसमें प्रभु कितना अनोखा बात हमें बताते हैं। प्रभु हर एक बात हमें समझाने के लिए कितना सरल डूब लिया। अब देखिए है ना, अभी वो व्यक्ति जब ज्यादा फसल आ गया, उसका 17 वचन में क्या बोलता, तब वह अपने मन में विचार करने, अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, देखा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो खुद को ही इस विषय में सोच करके निर्णय ले रहा है। और उसका 18 वचन, और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी पथरिया, मैं ये करूंगा। देखा प्रियो, मतलब वो प्रभु आपने मुझे को ये आशीष दिया, अभी मैं ये क्या करना, ऐसे ने प्रभु को नहीं पूछा, उन्होंने अपने मन में सोचा और अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लिया, मैं करूंगा और किया ना। अभी भी कोई भी ऐसी अवस्था आएगा तो हमें क्या बोलना चाहिए ना, याकूब एक बात बोलता है, याकूब 4 अध्याय उसका 15 वचन, इसके विपरीत तुम्हें यह करना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो, यदि प्रभु चाहे, देखा प्रभु चाहे, अरे आज का दिन भी अभी आगे का घड़ियों में क्या हो रहा है मालूम नहीं, प्रभु चाहे, प्रभु का इच्छा है। अरे तो ये व्यक्ति प्रभु का इच्छा नहीं, वो बोलता है मैं अपने आप को कहूंगा, बहुत साल के लिए अभी मैंने घमा कर रखा है, इसलिए खाओ पियो आज कर। देखा कैसा विचार है प्रियो, कैसे उनकी भावना है, कैसे उनका सोच है, कैसे उनका समझ है, इसलिए शाबाश बुद्धिमान। प्रभु ने ऐसे बोला नहीं, नहीं नहीं, उसको 20 वचन, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, देखा हे मूर्ख, देखा हे मूर्ख। प्रियो हम लोग हमारे जीवन में लेने वाला एक एक निर्णय दे करके स्वर्ग हमको एक नाम देता, क्या बोलता है प्रभु, कितना बार मूर्ख करके बुलाया होगा, लेकिन हमने सुना नहीं, हमने रूई लगा कर रखा है, हम प्रभु का वाणियों को सुनता ही नहीं। प्रियो आप जो लेता है वो निर्णय प्रभु को पूछ करके नहीं, आप स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं एक मार्ग तैयार करता है, वो व्यक्ति को स्वर्ग हमेशा बोलता है मूर्ख। हम लोग निधि वजन 3:5-6 में लिखा है, तो अपनी समझ के सहारा ना लेना, फिर क्या करना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। देखा सीधा मार्ग में चलना चाहता है, सीधा मार्ग यीशु मसीह, वही सच्चा एकमात्र सच्चा जीवित मार्ग है। पर जो अगर आप अपने निर्णय में अपने मार्ग में चलेगा प्रियो, उसमें जीवन नहीं, उसमें सच्चा आनंद नहीं, उसमें मतलब प्रभु महिमा पाने वाला कुछ भी कार्य नहीं।
इतना भयंकर बात है अपने जीवन में। हरेक लोग जब भी हम कुछ भी निर्णय लेता है तो प्रियो ये अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए, प्रभु की ओर से होना चाहिए, प्रभु करने वाला बात होना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ना आज बहुत लोग प्रभु की इच्छा नहीं समझता, स्वर्गीय बातों पर उनको ज्ञान नहीं, कितना दुख वाला बात है। हमारे पास इतना सुंदर प्रभु का भजन है ना, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। सच्चा धन का बारे में, प्रभु के विषय में उनको ज्ञान नहीं। प्रभु अनेक लोगों को परखता है, कई रीति में परखता है, लेकिन प्रभु के उस परख प्रभु कभी भी बोल करके नहीं परखेगा। मैं तेरा परीक्षा लेने जा रहा हूं, ऐसे बोलेगा नहीं बोलेगा। कभी भी हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का परीक्षा आ सकता है, इसलिए हमें हमेशा परीक्षा को सामना करने का तैयारी चाहिए। ये एक विश्वासी का सबसे बड़ा कर्तव्य है ना। आज प्रभु हमें देखता है, तो मैं एक बात आपको बोलता हूँ, मैं पिछले दिन में आपको जो प्रभु चाह रहे बोला, अभी यहाँ पर उसके 21 वचन में, 12 के 21 में प्रभु ने क्या बोला, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। देखो परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं। मैं आपको पिछले दिन में भी हम लोग प्रकाशित वाक्य के स्टडी में है ना, परमेश्वर का दृष्टि में धन क्या है, धनवान कौन है, ये बात हमने ध्यान किया था, आपको याद है, है? परमेश्वर का दृष्टि में धनवान कौन, परमेश्वर का दृष्टि का धन का क्या है, है? याद है, वेरी गुड, हाँ है, वेरी गुड, पांच बोला आपने, मैंने सात बात बोला, दो बात रह गई, हैं वो तो बोला है, मतलब वो धन हमारे पास है कि नहीं परखना है, वो सात धन क्षमा करने में उसमें धनवान करके नहीं बोला। हाँ चलिए कोई बात नहीं, तो मतलब परमेश्वर के विषय में हमें धनवान होना चाहिए, क्या था परमेश्वर के विषय में, आज हम परमेश्वर को जानने के विषय में कहां तक धनवान है ना। और उस दूसरा तिमोथी एक बारे में बोला कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं मैं उसको जानता हूं, जानता है क्या, और जानता है तो वो व्यक्ति में प्रभु प्रसन्न है, क्योंकि यिर्मयाह उसका 9 अध्याय का 23-24 दोनों वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु इन तीनों बातों पर दुनिया घमंड करता है। ये तीनों बातों पर दुनिया या शारीरिक लोग जो उधार नहीं पाया वो लोग इन बातों में घमंड करता है, इसलिए प्रभु बोलता है इन बातों में घमंड ना करना। फिर घमंड करना है किस बात पर, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखा मैं उन्हीं बातों में प्रसन्न रहता हूँ, प्रभु जिस बात से प्रसन्न रहता वो बात में हम लोग घमंड करना है ना। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु के विषय में हम धनवान बनना, प्रभु ये चाहता है, उसके लिए ये संगति की जरूरत हुई है, संगति में हमको प्रभु का ज्ञान मिलता। हम लोग इधर बाहर तो कुछ कथा कहानी नहीं सिखाता, बिल्कुल वजन के द्वारा, वजन बोलेगा तो प्रभु है, प्रभु को ही खिलाता ना, इसलिए हमने उस दिन बोला था प्रभु के विषय में संबंध होना ना, वजन के विषय में संबंध होना, इसके बाद में अनुग्रह या वरदानों के विषय में संबंध होना, विश्वास में संबंध होना, अनेक कामों में संबंध होना, ज्ञान में संबंध होना और भक्ति में संबंध होना, ये सात बात बोला है ना। तो अधिश्रेष्ठ संबंधना में एक दो बात में और भी आपको बताना चाहूंगा, वो क्या मालूम है ना, एक प्रकार ये ज्ञान, लेकिन ज्ञान का थोड़ा और विस्तार से अपनी जीवन उसका 3 अध्याय उसका 13-15 मतलब उसका महत्व उसका पढ़ाई पर समझने के लिए, नीजी वजन उसका 3 अध्याय
तेरह से पंद्रह। क्या ही धन्य है मनुष्य जो बुद्धि पाए, जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। देखा, बुद्धि प्राप्त करे, समझ प्राप्त करे। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी। हाँ, बोले तो दुनिया में मिलने वाला मूल्यवान बात है चांदी। उस समय में है ना, वो उसको बहुत दाम समझते थे उनसे। और उसका लाभ चुके सोने के लाभ से भी उत्तम है। उत्तम है वह मूंग से अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उसमें से कोई भी उसकी तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। बोले तो मेरा ज्ञान प्राप्त करना, ये ज्ञान एक्चुअली ये ज्ञान बनेगा तो यीशु मसीह है, वो एक व्यक्ति है ना, उसको प्राप्त करना। मैं एक बात बोलता हूँ, रोज हमें ज्ञान प्राप्त करना या मसीह को प्राप्त करना। हम प्रभु को प्राप्त करने के बाद में खत्म नहीं करना, और भी अधिक प्राप्त करने के लिए मैं सोचता हूँ। जब मारे एक फरीसी ने प्रभु को पूछा था मेरा पड़ोसी कौन है, प्रभु ने उसको एक दृष्टांत दिया। और एक व्यक्ति जब जाते वक्त चोर के हाथ में पड़ा है, वो चोरों ने उनको मारा, मार पीट करके उनका पूरा लूटा, और वो अभी मारा महाराज ऐसा पड़ा है ना। उधर से दो लोग आया पहले है ना, एक याजक था, जबकि जरूर उससे मदद मिलना चाहिए है। अभी वो यहूदी होकर के उन्होंने दूर से देखा, वो अच्छा समय में प्रभु का अनुग्रह से हमारे याजक आ रहा है, हमें जरूर मदद मिलेगा है ना। परंतु वो जब पास आया वो दूसरे तरफ देख करके चला गया। देखा, देखने के बावजूद भी उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में चलो तो चला गया, तो ये दुखी हो गया बोझ के साथ। तब तक तो एक लेवी आ रहा है, बोला याजक तो गया लेकिन ये लेवी तो जरूर मेरी मदद करेगा, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने चुना हुआ वक्ता है। तो हमारे सेवा के लिए उन लोग है तो जरूर मदद मिलेगा, वो बहुत आश्वासन दिया। पर तो देखता है वो भी ऐसा चला गया। अभी दो भरोसेमंद लोग अभी पार हो गया, तब तो कभी तीसरा एक व्यक्ति आ रहा है, वो शामरी है। शामरी बोलेगा तो यहूदी और शामरी बहुत आपस में दुश्मन है। बोला अभी मेरा गया कदम कहानी, अभी ये आएगा, अभी मैं उसके साथ लड़ भी नहीं सकता। ओ, उसको मौका मिला वो तो मेरे को पाप से दबा कर मार देगा है? अभी वो अच्छी घबरा गया, अभी उनको मौका मिला है, ये अभी मेरे को कदम करेगा। अभी ऐसा डर करके कांपते हुए अवस्था में, कोई अपेक्षा नहीं, परंतु अपेक्षा किया वो लोग उपेक्षा किया, परंतु इसका उपेक्षा किया वो एक अपेक्षक बन गया। वो पास आकर के उसको मलमट्टी लगाया और उसको अच्छा मन सेवगाई किया, उसको अपनी गदी के ऊपर बैठा करके सराय में पहुंचाया और उसका सेवा करने के लिए जिम्मेवारी दिया, और बोला अभी मैं जाते हैं, मैं वापस आएगा। और यीशु मसीह वो शास्त्री को बोलता है तुम भी जाकर ऐसे करो। क्या करना? तुम भी जाकर के ऐसा ही करो। प्रियो, हमारे जीवन में ये बहुत बड़े एक सबक है ना। मसीह लोग वो अच्छा नासरी कौन है, वो अच्छा समरिया कौन है, वो यीशु मसीह है। वो हमारी अवस्था देख करके हम कैसे कहा पड़ा था, हमें आकर के कैसे भेजाया। प्रियो, हमने ये बात को जानना है ना, अपने जीवन में प्रभु का मार्ग को जानना, जीवन का मार्ग को जानना है ना। हम कभी भी अपेक्षा नहीं किया वो लोग हमारे लिए समय पर बहुत बड़ा काम का बनेगा, प्रभु उनको तैयार करेगा। प्रभु किसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं आपको बोलता हूँ। आप प्रभु का जन्म है तो प्रभु का प्रभुत्व बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है ना। प्रभु किसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्रभु 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 भक्तों का जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना कितना बड़ी बात है ना। प्रभु का प्रबंध, आज भी बहुत लोग क्या सोचता है ना, प्रभु हमको इतना नहीं ध्यान करता, ऐसा है क्या? हमारे बाल तक की ना वो बोलता है, हमारे बाल तक। कोई भी व्यक्ति आप सोचो बाल गिन रहा है तो उसके बारे में हम क्या बोलेगा, पागल ही बोलेगा
कोई भी अपना बाल गिरता है क्या? नहीं। परंतु साइंस बोलता है नॉर्मल एक व्यक्ति के सिर में 8 लाख बाल रहता है, 8 लाख बाल। आप देखो प्रभु को गिनती करके मालूम है इसके सिर पर अभी कितना है, है? वो बालों का नंबर दिया, वो नंबर में कौन कौन सा नंबर गया वो भी तो मालूम। ऐसा है तो आपको भूख लगता है तो प्रभु को नहीं मालूम, आपको तो एक ही पेड़ है। अरे 8 लाख बाल का प्रभु गिरता है, आप एक पेड़ का ध्यान नहीं देता। चिंता करने वाला कितना बेकूफ है, मेरा बात समझ में आया ना? प्रभु का ध्यान है प्रियो, आपको भूख लगता है तो प्रभु कितना बाहर से बढ़कर बड़ी बात है ना, भूख एक ही पेड़, 8 लाख पेड़ नहीं है, उसको ध्यान नहीं करता, करता ना। तो प्रभु का ज्ञान रखना प्रियो। बहुत बार लोगों को ये बात का समझ नहीं, अपने जीवन में मेरा प्रभु कितना अच्छा है, कैसा भला है। बहुत लोग प्रभु को अनुभव नहीं ले पाते क्योंकि वो प्रभु का मार्ग में नहीं चलते, अपनी मनमानी का। सब सबको मालूम है ना, नींद वजन 14-12 कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देखा, इंसान को अच्छा देख पड़ने वाला मार्ग कहां पर पहुंचाएगा? यो मृत्यु में पहुंचाएगा, है ना। तो प्रभु चाहने वाला वो धन मेरे पास है क्या? एक अनमोल धन में आपको बताओ, बहुत अच्छा धन है। ये है कि नहीं पक्का परखना, कौन सा मालूम है? नीति वजन 12:27। एक्चुअली है ना कामकाजी या उत्साह बड़ा धन है, ऐसा आना चाहिए। उसका परिभाषा आप लोगों का इतना क्लियर नहीं, आप लोग लिख कर रखो, उसका उत्साह सबसे बड़ा धन है प्रियो, उत्साह सबसे बड़ा धन। खास करके आत्मिक बातों पर हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए स्वर्ग ये बात को देखता है प्रियो, प्रभु की बातों में है ना, संगति के लिए उत्साह बढ़ना, प्रार्थना के लिए उत्साह बढ़ना, भजन पढ़ने के लिए उत्साह बढ़ना, है ना, मानो भजन बजाने के लिए उत्साह बढ़ना, प्रभु का काम में हम उत्साही होना, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। अपने जीवन में हमको ये बात जानना है, हमें ये बात जानना है, मतलब मेरे जीवन में आज उत्साह है क्या? आत्मिक बातों में मेरा उत्साह, वो उत्साह दूसरे को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आज हम लोगों को ऐसा एक उत्साह की उल्सा है तो हर एक बात को भी आप सक्सेस हो जाएंगे, है ना। पुराने नियम के अनुसार फिर भी आप 8:10 आपको मालूम है, जो भी प्रभु का काम आलसीपन से करता है वो श्रापित है, वो श्रापित है। प्रियो हम लोग प्रभु का कोई भी काम वो आलसीपन से नहीं करना, प्रभु देखता है हमारे उत्साह को, है? हम कैसा उसके लिए जलन देखता, हम उत्साही है कि नहीं, ये बात है। कुड़कुड़ाते हुए मतलब ऐसा कुछ करेगा तो कुछ ऐसा मतलब कई लोग बाप ने बच्चों को बोला एक पैकेट दूध लेकर आओ, क्या दूध दूध बोल देता है, चलो जाकर के किया पर दूध मतलब आशीष मिलेगा नहीं, कुड़कुड़ाया कुड़कुड़ाया। स्वर्ग अनेक बात को देखता है, हमारे जीवन में हमारा सारे आशीष का एक बहुत बड़ा स्रोत है बात मानना, प्रभु का बात ऐसे वो बात कैसे मानना, उत्साह से खुशी से, ओ कितना बड़ी बात है। इसको मतलब ये धन मेरे पास है क्या, ये धन मेरे पास है क्या? खास करके ये ठंडी के टाइम पर एक बड़ा परेशान होता है ना, हमारा पूरा उत्साह कूद जाता। ऐसा नहीं है, हमें सुबह उठना है जरूर। देखो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक लड़ाई आता है, सुस्ती लाता है विरोधी, लेकिन प्रियो हमें उत्साही बना है। उसी प्रकार एक बहुत बड़ा मैंने आपको वजन में दरी के बनना वो बात जो बताया,
शायद उस टाइम पर नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन 119 का 162, 119 का 162 वचन। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। प्रयोग मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रभु के वचन ये दुनिया का सारे धन से बढ़कर है, बढ़कर धन है। प्रयोग इसका मतलब प्रभु का वचन को एक बड़ा धन समझ करके प्राप्त करना, इस वचन को बताए से अपना दिल में इकट्ठा करना है, उत्साह ही होना प्रयोग इसके लिए। आज बहुत लोग उनके पास प्रभु का वचन नहीं, प्रभु का वचन कितना अधिक बढ़ना चाहिए। देखो आज का ये दुनिया का रीरी का धन शायद आपको नरक में पहुंचा सकता है, हैं? ये इसमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उसका एक बड़ा दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया ना, दृष्टांत नहीं एक्चुअली ओरिजिनल बात है, लूका में लूका 16 अध्याय है, वो पढ़ना अच्छी बात है, उसका 19 से 23 तक ज्यादा पढ़ना नहीं। एक धनवान मनुष्य था जो बेंजामिन कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सूफ विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक का एक दंगल भाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर जुटन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। बस 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 अधोलोक में पीड़ा में पड़ा। अभी देखो दो लोग, एक दुनिया की धन बहुत था पर तो आत्मिक धन नहीं था। एक छोटा सा एक दृष्टांत समझने के लिए अपने विषय को, दुनिया का धन बहुत था, वो उसमें आनंद था, मगन था, खूब ऐसा पहले किसान का बात बोला ऐसा खूब उड़ाया, खूब मजेदार जीवन बिताया। दूसरा मैंने भी बोला होगा जीना है तो ऐसा जीना सुबह से लेकर के एकदम मस्त जीवन, ये बहुत आशीष का जीवन, ऐसा बहुत लोग बोला होगा। लेकिन उनके जीवन में आत्मीय जीवन में कंगाल था, वो आत्मीय कंगाल पहन इस धनवान व्यक्ति को कहां पर पहुंचाया, अधोलोक में पहुंचाया। पर जो एक दूसरा व्यक्ति था वो आर्थिक रीति में बहुत दरिद्र था, आर्थिक रीति में उसके पास कुछ भी नहीं था। देखने वाला बोला होगा तो ये व्यक्ति श्रापित व्यक्ति है, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं। प्रियो ये सब दुनिया के लोग ऐसा मार्ग डालेगा, परंतु उसके पास आत्मिक धन था, उसके पास आत्मिक धन था। उसने वो धनवान को देख करके जलसी नहीं खाया, प्रभु आपने उनको इतनी आशीष दिया, मेरे को एक टाइम का खाना भी क्यों नहीं दिया। उसके पास कपड़े नहीं है, शायद वो व्यक्ति को देख करके वो गरीब व्यक्ति धन्यवाद दिया होगा, प्रभु कम से कम मैं यहां पर रहने से उसका जूठा जो गिरते हैं कम से उसको खाने के लिए मुझे मौका मिला, ओ प्रभु उनको और भी आशीष दे। उसको कुड़कुड़ाहट नहीं, उसको नफरत नहीं, प्रभु से कंप्लेन नहीं, क्योंकि वो आत्मीय धनवान था। आत्मीय धनवान कभी भी प्रभु को दुख देने वाला कुछ भी बात नहीं कहता। इसलिए क्या हुआ, मरने के बाद मालूम पड़ा कौन धनवान है, ओरिजिनल फेसलॉट। ये डुप्लीकेट धन के पीछे घमंड मत करो, ये डुप्लीकेट दुनिया की बातों को देख करके मार्क मत डालो। अब देखिए जो दुनिया का धनवान उस पीड़ा में गया, पर जो आत्मिक धनवान परदेशा में गया। देखा हमें कहां जाना, परदेशा स्वर्ग में जाना या उस पीड़ा में जाना, कहां जाना, स्वर्ग में। हमारा ध्यान कहां पर होना चाहिए, अभी भी स्वर्गीय धन की बात पर। यो मैं कितना स्वर्गीय धन प्राप्त कर पाता है, अभी भी छोटी छोटी बातों में दुखी होने वाला, निराश होने वाला वो आत्मीय जन है। आपको कितना भी चिगाया कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी भी आपके अंदर क्या है, कड़वाहट है, नफरत है, भयर है, जलसी है। मैं आपको बोलता है ना, ऐसा लोग प्रार्थना भी करता है तो उसको तसली मिलेगा नहीं,
उनको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाने के टाइम बोला, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा दिया ऐसे तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। वो प्रार्थना करना है तो उसको परखना चाहिए, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई नम्र कड़वा नहीं है। अब देखो प्रियो, आग शरीर का आंग वाला प्रभु की दृष्टि में कोई भी बात छिपा नहीं रहता। उस प्रभु के प्रभु अपनी दृष्टियों से देखने के टाइम पर अगर हम मतलब एक प्योर हार्ट नहीं है तो उसका प्रार्थना व्यर्थ हो गया। दो घंटा प्रार्थना किया परंतु उसको खुद को भी खुशी नहीं मिला, खुद को भी तसल्ली नहीं मिला। क्यों? प्रभु सुना ही नहीं, आपने टाइम वेस्ट किया। परखना भी परखना अपने जीवन में। कई बार लोग बोलता है मैं बहुत प्रार्थना करता है, मैं बाइबल पढ़ता है, लेकिन मेरे को सच में आनंद नहीं होता। नहीं सुना है? अरे 5 मिनट में प्रभु के साथ बात करेगा तो कितना आनंद होना चाहिए। प्रभु के साथ बात करने के बाद में आनंद नहीं होता, इसका मतलब कनेक्शन टूटा हुआ है, एक सही नाता प्रभु के साथ नहीं, ये बात का सबूत ही हो। ये भी हम प्रभु के वचन सुनता है तो सच्चा भक्त का दिल में बहुत आनंद होता, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको बात कर रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि उसको उस मानव धर्मान व्यक्ति अभी हमेशा के लिए देखा। प्रियो दुनिया में रहने के समय में दुनिया की आशाओं में कुछ बना करके जीवन बिताने वाला का आनंद काल कहां रहेगा? चलो धोखा है ना। हम लोग प्रभु में आने के बाद जैसा यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में कहा, पहले देखा पहले प्रियो कौन बोला? यीशु मसीह बोलता है पहला स्थान प्रभु को देना भी। जिंदगी में हर एक बातों में पहला स्थान प्रभु को देना सीखो, है ना, प्रभु को देना सीखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देता है तो वो कभी हारेगा नहीं। मैं इसलिए अपने जीवन से मैंने अनुभव बहुत आप लोगों को इसलिए शेयर करता हूं कि आप लोग भी वो ऐसा आशीष का पात्र बने। मैं उड़ने के बाद पहली बात प्रभु को ही पारा एक मुस्कुराहट देता हूं। प्रभु की वाणी सुनते बिना मैं और किसी को नहीं सुनता, प्रभु को साथ बात करते बिना मैं किसी से बात नहीं करता, प्रभु का वजन खाते पीते बिना मैं दुनिया का खाना पीना नहीं करता। वहां से शुरुआत है, शुरुआत में ही अच्छा बात डालना ये कितना अच्छी बात है। शुरुआत में ही हमारे जीवन में हम अच्छा भाव को चुनना। मरियम ने अच्छा भाव चुना, प्रभु ने प्रशंसा किया। प्रियो हर बात में प्रभु को प्रथम स्थान देना। प्रियो आज हमारे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान है क्या? है आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देता। हर एक काम करने के टाइम पर मैं कैसा प्रभु के साथ ज्यादा समय बिता पाएगा, मैं कैसा मतलब ज्यादा प्रभु की संगति में रह पाएगा, इन सारे बात हमारा मतलब सोच में होना चाहिए। ऐसा निर्णय के साथ हमें चलना चाहिए। कई लोग मतलब यात्रा करेगा तो क्या करता मालूम है? आर्मी की बात करता हूं, मंडे से छुट्टी स्टार्ट होता, वो लोग क्या करेगा, वो लोग सैटरडे इवनिंग उनको लीव सर्टिफिकेट मिलेगा तो फिर संडे आराधना का परवाह नहीं करेगा। देखो बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन में संडे आराधना में काम करेगा। संडे आराधना करके मैं मंडे जाऊंगा ऐसे नहीं सोचेगा, 2 दिन बढ़ने के लिए। और कई लोग कई दूसरे कंपनी के लोग हैं तो लोग क्या करेगा, मतलब संडे के दिन यात्रा करेगा क्योंकि मंडे करेगा तो फिर एक दिन का थका कट जाएगा। मतलब प्रभु को तुच्छ करेगा और दुनिया के लाभ के लिए जीवन में परखने के लिए बोलता हूं। अपने जीवन में कभी भी ऐसा प्रभु का बात को हमने तुच्छ किया क्या? आत्मा याद दिलाएगा तू जो करता है अच्छा नहीं करता, क्योंकि तूने प्रभु को बाजू में कर दिया और दुनिया को किसी को यह बात दिखाएगा नहीं, बोलेगा नहीं,
जल्दी मानेगा भी नहीं, परंतु अंदर का उद्देश्य उनका वही है। कितना दुख भरा बात है, अपने जीवन में परखना है मैं हरेक बातों में प्रभु को प्रथम स्थान देता है क्या, है ना प्रियो? प्रभु हमारा हरेक काम तोलता है। एक देखो, एक सच्चा बिजी जीवन बिताने के लिए हमें त्याग करना ही पड़ता है, दान देना ही पड़ता है। तो यहां पर हम लोग देखता है कि मानव प्रभु के अनुग्रह पाना है तो क्या करना पड़ेगा, तकरीब है ना। प्रभु जो भी बात सिखाता है, प्रभु किनको सिखाता है मालूम है? आराम से पलंगों पर सोने वालों को नहीं सिखाता है ना। अभी और उसको इतना ज्यादा रेवलेशन क्यों मिला? कष्ट में है ना, और प्रभु के कारण कैदियों में सभी जीवन बिताया। ऐसे लोगों को मिलता है प्रभु सीखने, प्रभु से सीखना है तो हमें प्रियो कई प्रकार की वेदना में ही गुजरना पड़ेगा, उनसे प्रभु बात करेगा। आपको मालूम है जब 171:72 मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। देखा, मुझे जो दुख हुआ, अब मुझे बताओ आप में से कितने लोग गवाही दे सकता है मेरे जीवन में जो दुख हुआ वो भला ही हुआ है। क्या हुआ? हाँ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोरों से भी उत्तम है। कितना ढेरी बात है। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु हमें सिखाने वाला क्लासरूम का नाम है कष्ट। मुझे लोगों में जब कष्ट आता है, मैं आपको बताता ना, जब मैं प्रभु में आया, जैसा उदार पाने के बाद में कदम कदम पर पूरा परीक्षा टेस्ट, इतना डेंजर टेस्ट था, लेकिन प्रभु साथ रह करके पार कराए, है ना। अरे बात धन की लालच में गिराने के लिए शैतान कोशिश किया, प्रभु ने वहां से पार कराया। इसके बाद में दुनिया का रीति का कष्ट आया। कष्ट बोलेगा तो मतलब मैं आपको बोला ना, मतलब थीरी, अरे इसमें सब प्रभु क्या बता रहा था, प्रभु नया बात सिखा रहा था। आत्मीय जीवन में प्रभु से उन दिनों में मैं जो सीखा, मैं आपको बोलता हूँ, मैं आत्मा में इतना सामर्थ पाते गए, और इतना ही नहीं आत्मा भी जीते गए। कई आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु ने इस मार्ग में लेकर गया। अभी और उस वाला मानव उस बंदीगृह में कैसे पहुंचा, कितना तकलीफ, कितना मार खाया, लेकिन वो दुर्गा, वो सुबेदार और उनका परिवार बच गया। आत्मा जीतने के लिए भी ये मार्ग है, प्रभु का सीखने के लिए भी यही मार्ग है, कष्ट की मार्ग। प्रभु बहुत बातें हमें गहराई में सिखाएगा। हमें देखने वालों को दुख होता, लेकिन हम आनंद में मगन होता, इतना फर्क है। प्रियो लुनिया हमारे लिए गट्टा खोदेगा, प्रभु हमें वो सारे बात आशीष में बदलेगा, हमारे आत्मिक उन्नति का कारण बना। ओ कितना सुंदर प्रियो, मैं आपको क्या बताऊं, है अपने जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट को देख करके हम दुखी नहीं बनना भी। अब ये जो बात जो है, अब इन बातों को एक सच्चा मन से, सीधा मन से इन बातों को सीखो, और जीवन में जब कष्ट तकलीफ आता है तो कुड़कुड़ाओ मत, घबराओ मत, उसमें गुजरो। इसलिए मैं बोलता हूँ, एक सच्चा ओरिजिनल मसीह को प्रभु आग में उगाता, वो व्यक्ति धूप में बेच देगा। दुनिया का सारा प्रतिकूल सिर्फ धूप समान है, और जो प्रभु जो अनुमति करने वाला कष्ट जो है आग समान है। देखा, अगर उधर से अगर आप पार होकर आगे बढ़ेगा, किसी कारण आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं। इसलिए हमें इस जीवन में मतलब हरेक लोगों को उस समय में विश्वासियों को मिलता है तो है मानव ओ कोई बात नहीं, आशीष मिलेगा, ये सब बदल जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलता था, है ना। हाँ, प्रेरितो काम 14:22 देखिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ देखा, बड़े क्लेश उठा करके प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। वो उधर भी बोलता है, ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, और भी बड़ा आएगा, उसके लिए भी तू तैयार रहना। ऐसा बोल करके उनका याव बढ़ाता था, हैं? उनका मन स्थिर करता था। प्रियो कोई छोटी छोटी बातों में अब मत घबराना, ये तो सब बहुत ही
मानो छोटी सी हल्की सी बात है, बड़ी बड़ी बात को भी हम प्रतीक्षा में रहना, उसको सामना करने के लिए आत्मा में इतनी मनुष्य में बेल पाकर आगे रहना है ना। बहुत इसमें प्रभु में आया हुआ लोगों का अवस्था में ये दो प्रकार ये काम करता है। प्रभु में आने के बाद में भी बहुत लोग जल्दी ठोकर क्यों गाता है मालूम है, किसी प्रकार का कष्ट में, क्योंकि वो अहंकारी है, गर्विष्ठ है। प्रभु में आने के बाद में भी गर्विष्ठों के लिए कष्ट एक प्रकार बोलेगा तो क्या है, उसको बुरा लगता। कई लोग बोलता ना मेरे को उनकी बात बुरा लगा, क्या है ना वो बहुत गर्विष्ठ है, केवल बने घमंडी है, वो अपने आप को कुछ समझता है। प्रभु में आने के बाद में हमें क्या समझना, मैं गुड़ाओ, मैं कौन है गुड़ाओ, प्रियो स्वयं गुलामी में सौंपा हुआ एक अनुभव है मसीह जीवन, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों ने वो बात को इतना नहीं, कितनी बार कितनी अच्छी तरह समझाया, परंतु घमंडियों के लिए कष्ट तकलीफ उनको बुरा लगता। आपको जिंदगी में कोई बात बुरा लगता है, हैं? कोई भी बात बुरा लगने वाला अनुभव है, वो मुझे उसका बात बिल्कुल बुरा लगा, मुझे पसंद नहीं आया। प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु की आलोचना भी आता है तो वो प्रभु के दास ने वो बात बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा बोलने वाला अनुभव उसका प्रकट बात वो आत्मीय जीवन में घमंडी, समझ में आ रहा है। प्रभु ऐसा कोई बात सुनाएगा प्रियो नहीं, प्रभु जो हमें देता है वो हमारा भलाई के लिए, वो हमें अच्छा लगो बुरा लगो वो नहीं मालूम, कोई भी बात हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं, मतलब पवित्र लोगों के लिए कष्ट एक आशीष है, कितने लोग समझता। आपको मैं बताता हूं प्रभु के जन्म होकर के बुलाहट पाया है और आपके जीवन में कोई भी कष्ट आया वो एक आशीष है। आप तो दुनिया की आशीष चाहते हैं ना वो आपका एक गलत, आपने कई और कई देख करके दुनिया का लोगों को देख के समझा होगा, नहीं प्रिय, एक सच्चा आत्मीय जन के लिए कष्ट एक आशीष है, ठीक है ना। मतलब एक सच्चा भक्त का उनका जीवन में कुछ मुद्दा रहेगा, वो मुद्दा क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारा मुद्दा कैसे होना चाहिए, मुद्दा मीन्स हमारा निर्णय है ना, हमारा दिल की गहरा चाहत हो, मानो क्या बोलेगा, मानो प्रभु बीमारी मुझको देता है तो बीमारियों में प्रभु मुझे सामर्थ्य भी देता, ये हमारा मुद्दा है। मैं कोई भी बीमारी से नहीं डगमगाऊंगा, नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु बीमारियों में भी मुझे क्या करता, सामर्थ्य देता, सामर्थ्य देता, सामर्थ्य देता, या मुझे चंगाई देता, या मुझे उसको पार करने का अनुग्रह देता, ठीक है ना। और मतलब दरिद्रता में, दुनिया की दरिद्रता में हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे मालूम है, दुनिया की दरिद्रता में भी प्रभु मुझे आत्मीय में संबंध बनाया, आत्मीयता में संबंध बनाया। आपको मालूम है ये दुनिया का धन आने के कारण कितने लोग आत्मीय जीवन में दरिद्र बना है, क्यों कहा पी करके वो सोते रहता, वजन पढ़ने की इच्छा नहीं, संगति में जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि उनका ईश्वर धन बन गया, अभी मेरे मुझे कोई नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे उनका भावना में वो घमंडी बन गया। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है। अरे ना अपने आत्मीय जीवन में कभी भी थोड़ा भी कमजोर होने नहीं देना, प्रिय शैतान कई में हमें कमजोर करने के लिए कोशिश में है। और हमारा मुद्दा क्या रहेगा मालूम है, मतलब मेरी बेनगीरदा मेरे लिए भला है, क्योंकि मेरा बेनगीरदा में प्रभु मुझे अपने शक्ति उड़ेता, क्या करता प्रभु अपने शक्ति दे करके मुझे आगे बढ़ाता, मैं बेनगीन है पर जो प्रभु की शक्ति से मैं सब कुछ कर पाता। इसका मतलब प्रभु की शक्ति कब हम अनुभव करेगा, हमारी बेनगीरदाओं में, हमारी बेनगीरदा हमें प्रभु की सामर्थ्य को अनुभव करने का वक्त है। यह है एक सच्चा भक्त का मुद्दा है। इतना ही नहीं, मतलब प्रभु जब मुझे डांटता, प्रभु मुझे डांटेगा तो मैं दुखी होना चाहिए है, मैं उसमें नाराज होना चाहिए, नो है,
मतलब प्रभु मुझे डांटता तो मैं कभी भी क्या नहीं करेगा, नाराज नहीं होगा, निराश नहीं होगा। वचन में लिखा ना है, निजी वचन में तीसरा अध्याय है, शायद 12 वचन में, तीसरा अध्याय का कितना वचन है, 3 का 11 वचन। क्योंकि परंतु कई बार हम प्रभु की ताड़ना को बुरा मानते, यो प्रभु की अनुमति बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसमें हम बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। मतलब एक बात है, यदि प्रभु हमें नहीं डांटता हमारे अंदर संदेह आना चाहिए, क्या प्रभु ने मुझे त्यागा तो नहीं, क्योंकि कुछ दिनों से कोई डांट नहीं, कोई पिटाई नहीं। भक्त के जीवन में ऐसे आ सकता है, नहीं अभी छुट्टी हो गया, अभी कष्ट खत्म हो गया, ऐसा एक दिन भक्त के जीवन में है नहीं, नहीं प्रभु आखिरी स्वास्थ्य है ना। मतलब योगन्ना श्रीया योगन्ना प्रेषित कितने साल की उम्र में पद्मस डाकू में था, करीब 95 उम्र था, 95 उम्र में भी कष्ट खत्म हुआ नहीं। देखो आखिरी श्वास तक रहा भक्तों के जीवन में, देखा रिटायरमेंट नहीं, रिटायरमेंट है, श्वास खत्म हो गया उस दिन रिटायरमेंट हो गया। दुनिया का लोगों के जैसा नहीं है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए कष्टों में भक्त कभी भी और प्रभु से बुरा मानेगा नहीं, एक सच्चा भक्त ऐसा नहीं, उल्टा ये सोचता है प्रभु आपने मुझे कहीं त्यागा तो नहीं, उसको डाउट आता है, क्योंकि प्रभु त्यागा हुआ लोगों के जीवन में कष्ट नहीं आएगा, प्रभु प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में कष्ट आएगा, प्रभु त्यागा हुआ लोगों के लिए कष्ट देगा ना, आनंद काल ओ अनलिमिटेड है ना, परंतु प्रभु प्रेम करने वालों को मिलता है। देखो इस कारण है ना, कभी कभी एक थप्पड़ नहीं मिलता है तो रोना चाहिए, प्रभु मेरे से इतना गलती हुआ आपने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा, कभी रोया ऐसा, हाँ ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि प्रभु प्रेम करने वाले लोग गलती करेगा तो प्रभु बाल शिक्षा देता है, क्या देता, बाल शिक्षा, वहां पर क्या लिखा मैंने भाई, अगर वो देगा जिसको पुत्र बनाए उसको फोड़े भी देगा था, इसके मतलब तगड़ा मार मिलता, देखा इसका मतलब मार नहीं मिलेगा तो हमें संदेह आना चाहिए, ओ इसका मतलब मैं प्रभु का बेटा या प्रभु का बेटी नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसलिए मेरे जीवन में कुछ ऐसा कष्ट तकलीफ नहीं आया, देखा ये एक सच्चा भक्त का अपने जीवन में सोचने वाला मुद्दा, उनका कार्य ये एक सच्चा भक्त ही ऐसे कर सकता। देखिए प्रभु देने वाला शिक्षण राजमहल में मिलने वाला शिक्षण नहीं, कष्ट में जो मिलता, ओ राजमहल में ऐसा शिक्षण नहीं मिलेगा, जो कष्ट में मिलता है वो गहरा शिक्षण है। आजकल बोलेगा ना डॉक्टरेट, कष्ट में बहुत डॉक्टरेट मिलेगा, बहुत बहुत बड़े बड़े मतलब ऊंचा दर्जे का डिग्रिया मिलता, आत्मीय जीवन में टॉप लेवल में वो लोग जल्दी पहुंच जाता। इसलिए भक्त कभी भी कष्टों में डगमगाता नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब अनेक भक्त के जीवन में कष्ट जो है उसको और भी मूल्यवान बनाता, उसका वास्तव में उसको ही दिलेरी देता कि तुम वास्तव में मेरा दास है या मेरे दासी। इस कष्ट में देखो आपको सबको मालूम है क्रूस बिना मुकुट नहीं है, कष्ट बिना राज नहीं है, हमें जो मेरे साथ कष्ट सहेगा वो मेरे साथ राज भी करेगा, ये वायदा। इसका मतलब
प्रभु में आने के बाद में शायद ये वजन वाला बहुत लोगों को नजर में नहीं आया, ऐसे भी बात है क्या? रिहाज करने से पहले कष्ट सहना पड़ेगा, कष्ट कहां सहना, स्वर्ग में जाकर? नहीं नहीं नहीं, यहां पर रहते वक्त प्रभु के साथ हमें कष्ट सहना है। कई लोग सोचता है कि मैं प्रभु में आ गया तो इधर भी कष्ट नहीं, उधर जाने के बाद में ठीक है अगर प्रभु देगा तो ले लेंगे, पर उधर तो देगा नहीं है ना, उधर कष्ट नहीं है, फिर कष्ट यहां पर है, कष्ट यहां पर है ना। इन कष्टों में हमें कितना अधिक है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया का कुछ भी कष्ट जो है हमारे जीवन में, कष्टों में हमारा आंख खुल जाता, वहां पर प्रभु का प्रबंध हमें दिखाई देगा। जो व्यक्ति कष्ट में नहीं गया वो कई बार प्रभु का प्रबंध को भी नहीं देखा, नहीं देखा प्रभु का कामों को, प्रभु का प्रबंध को देखने के लिए हमें प्रभु कष्ट का मार्ग में ले चलता है। मैं इसलिए मतलब उल्टा दुनिया की समृद्धि, दुनिया की आशीष अच्छा दिखने वालों को भी अंधा कर देता, क्या करता? अंधा करता। मतलब दुनिया की समृद्धि के कारण आनंददा का आशीष की बातों को देख नहीं पाता, उसके पीछे वो लचीला चल नहीं पाता, कारण ब्लाइंड हो गया। दुनिया का आशीष, दुनिया का धन हमें ब्लाइंड कर सकता है, ब्लाइंड कर सकता है ना। बिलियाम धन की उसमें गया, बिलियाम को नहीं देखा पर तू गधे को दिखाई, प्रभु उसके खिलाफ में तलवार लेकर खड़ा है, देखा वो ब्लाइंड हो गया। प्रियो हमारे जीवन में हरेक बातों में, इस जीवन की छोटा सा जीवन की यात्रा में बहुत प्रकार फिसलने वाला बात आएगा, लेकिन वहां पर सब हमें सावधानी से आगे बढ़ना है। अगर सावधानी से आगे नहीं बढ़ेगा तो है? बहुत लोगों का आत्मीय जीवन का दृष्टि कब खोला? कष्ट में, उनको बहुत बड़ा गहरा प्रकाश मिला। एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसलिए जब रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन मारा, सोनार वचन है और वो हमारा अनुभव करके मारना, रोमियो 5 अध्याय का 3-4। केवल यही नहीं, हां वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, हां यह जानकर कि क्लेश से धीरज, हां और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखो आज बहुत लोगों के जीवन में आशा नहीं दिखता है, प्रभु आएगा और मैं आएगा तो प्रभु के साथ जाएगा, वो आशा में रहने वाले लोग इस समय का पवित्र लोगों में बहुत कम लोग हैं। क्या मालूम गया तो गया नहीं तो ऐसी अवस्था में बहुत लोग पहुंच गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कष्ट की राहों पर प्रभु का उस आत्मिक शिक्षण को प्राप्त नहीं किया, प्रभु के साथ का संगति में अटूट एक संबंध जोड़कर नहीं रहा, इसलिए ऐसा होता। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु सच्चा है और उसका वचन भी सत्य है। जब तक मानव इस कष्ट में होकर के प्रभु की ज्ञान नहीं सीखेगा, वो एक विजयी जीवन कभी नहीं बिता पाएगा, कभी नहीं बिता पाएगा ना। अपन इसलिए लोगों के पीछे लिखा है कि इस कष्ट के मार्ग में आओ, ये सकरा मार्ग में आओ, क्योंकि इसमें हमें बड़ा लाभ है। लेकिन लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं, लोग बोलता है ये सब आप बोल सकते हैं लेकिन हम नहीं मान सकते, देखा है? इसको इतना समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए आज बहुत लोग बिल्कुल तैयार नहीं। प्रियो इस दुनिया में प्रभु ने अगर किसी को भी इस्तेमाल किया है तो वो कष्ट में गुजरा वो लोग, बहुत प्रकार के कष्ट में गुजरा वो लोग है जो लोग प्रभु का हाथ में ज्यादा इस्तेमाल हो। किसी का भी चरित्र देखो है, वे लोग बहुत कष्ट में होकर के सच्चा प्रभु का दास लोग, झूठे लोग भी बहुत कीर्तिमान लोग हैं, उनकी बात नहीं। इसलिए अपने जीवन में मतलब एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, 69 उसका 1-3 वचनों से आप देखिए। मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दंड से घसा जाता हूँ, और मेरे पैर
कहीं नहीं रुकते, मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बात जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है। बस बस एक वक्त का अवस्था क्या है, बहुत प्रकार का कष्ट कठिनाई, बहुत कठिनाई में होकर गुजरना पड़ा है। लोग उसके ऊपर नाचा है, मतलब लोग उसको एकदम मतलब अपने भाव से रोंदा, ऐसा अनुभव में भक्त का जीवन है। लेकिन आखिर में प्रभु ने क्या किया मालूम है, जैसे का सृष्टि जिसका बारह बजे तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के, तूने हमें उबार करके सुख से भर दिया, सुख से भर दिया। हालेलुया। प्रियो इन कष्टों से गुजरने के बाद प्रभु ने हमें वो चट्टान, सनातन चट्टान प्रभु यीशु मसीह में हमें खड़ा किया। ओह कितना धन्य बात है, हमारे जीवन में इन सारे कष्टों में गुजरने के बाद पिता ने हमें मसीह में उस सच्चा सनातन चट्टान में खड़ा किया। बहुत बड़ी बात है ना। तो हमारे जीवन में हमको आशीषित लोग कौन है, वो बात में जल्दी आशीषित लोग कौन है उस बात को मैं जल्दी आपको बताना चाहूंगा। देश आशीषित लोगों के बारे में आशीषित मानो धन्य लोग, भाग्यवान लोग बहुत है बाइबल में। सब आज मैं 10 लोगों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात मतलब गलातियों 3 अध्याय का 9 वचन, गलातियों 3 अध्याय का 9 वचन, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। देखा कौन आशीष पाता, आशीष पाने वाला कौन है, जो वास्तव में प्रभु में विश्वास करने वाला है। प्रभु में विश्वास करने वाला आशीषित लोग है। आज हमें प्रभु में पक्का विश्वास है क्या, हरेक बातों में है प्रभु में हम विश्वास करते हैं क्या, या हम अपनी ताकत पर विश्वास करते हैं, अपनी नौकरी पर विश्वास करता है, अपने बिल पर हम विश्वास करता है, धोखा है। जो प्रभु में विश्वास करता है वो आशीषित है, वो आशीषित लोग है। दूसरा बात रोमियो 4:7, रोमियो 4:7, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढापे गए। बोले का अर्थ जिसको सच में प्रयोजन मिला, जिसको वास्तव में पाप क्षमा मिला वो आशीषित व्यक्ति है। प्रियो आपको दुनिया में कुछ भी हो पर जो आप एक पापी है तो आपका ये दुनिया का कोई भी आशीष आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता, पर जो आपने पाप क्षमा पाया है, उद्धार पाया है, तो आप आशीषित व्यक्ति है। प्रभु का वचन कहता है वो है सबसे बड़ा आशीषित व्यक्ति जिसका अधर्म क्षमा गया और पाप का क्षमा मिला। बहुत बड़ी बात है। तीसरा जब मत्ती 16:16 उसका 16:17, शमौन पत्रस ने उत्तर दिया तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है। धन्य है तू, धन्य है क्यों, धन्य है क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये बात का प्रकाश पाया हुआ लोग आशीषित लोग। देखा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये बात का ज्ञान प्रकाश मिला हुआ व्यक्ति आशीषित है। परमेश्वर का पुत्र बोलेगा तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र बोलेगा तो परमेश्वर है, समझ में आया। ये नहीं परमेश्वर का पत्नी का पाला बेटा, ऐसा है क्या, परमेश्वर का पति होता है क्या, नहीं। परमेश्वर का पुत्र बोलेगा तो वो परमेश्वर है, वो उसका अर्थ। कई बातें कई शब्द वगैरह मतलब लोग गलती से डालते हैं, उसका मतलब
नाम गलती से डालता है ना, आपको मालूम है एंजल बोल करके किसके नाम है, कोई कोई लड़कियों को डालता है ना, है ना, एंजल का अर्थ क्या है, दूध है ना, दूध करके एक लड़की को नहीं डाल सकते, नाम बदलना चाहिए, क्योंकि अरे दूध नर है, नारी नहीं, नारी को वो नाम देना अज्ञान से लोग देता है लेकिन वो गलत है। प्रभु धन्यवाद, इशारा काफी होता है समझना, मैं आपको इसलिए बोला नाम देने के देवर भी बात को समझ करके दे रहा है। ओके, तो अभी ये मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का, आज बहुत लोग यीशु मसीह के ईश्वरत्व को मतलब मानते नहीं, प्रियो वो आशीषित नहीं है, हमें वो प्रकाश मिला अब फिर कितना धनी लोग है ना, आशीषित लोग हैं, बहुत बड़ा भाग्यवान पदवी है, एक एक बातों को उसका सही अर्थ में समझना बहुत आशीष की बात है। और चारवा बात 128 का एक, 128 का एक, क्या धन्य है पर एक जो यहोवा का भय मानता है। हाँ प्रियो, वो आशीषित व्यक्ति है, हमेशा प्रभु का भय मानता है, अपना हरेक चाल चलन में प्रभु का भय मान करके चलने वाला व्यक्ति आशीषित है। प्रियो, आज हमें ये बात को देखना है, आज हम लोग जो भी काम करता है तो प्रभु का भय मान करके, प्रभु को सम्मान करके, प्रभु को महिमा दे करके अगर हम जीवन में जाता है, प्रभु बोलता है तो आशीष है, वही आशीष, वही तो आशीष है, ओरिजिनल आशीष, इतना श्रेष्ठ बात है। पांचवी बात मतलब प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय का 15 वचन, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। बोलने का अर्थ क्या है, जो पाप के खिलाफ में लड़ने वाला धन्य है, भाग्यवान है, आशीषित है, पाप के खिलाफ में लड़ने वाला, वहां का प्रयोग अपनी वस्त्र अशुद्ध नहीं करना, इसका मतलब पाप नहीं करना, पाप के खिलाफ में लड़ना, पाप के खिलाफ में लड़ते लड़ते शायद हमें अपना प्राण उंडेलना पड़ेगा, लेकिन हम प्राण उंडेलेगा लेकिन पाप नहीं करेगा, देखा, वो व्यक्ति आशीषित है, प्रभु की दृष्टि में वो लोग आशीषित लोग है, कितना बात अनोखा बात है ना। छठवीं बात मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन, देखिए मेरा मन क्या, मेरा हृदय शुद्ध है क्या, है आज हम प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु कहां देखता, मन को देखता है, यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है तो प्रभु को इस मानव स्तुति से प्रार्थना से खुशी होता नहीं होता है। हम प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर हमें घर से निकलने से पहले हमें परख कर देखना है मेरा मन आज कैसा है, नफरत कड़वाहट रह करके झगड़ा करके प्रभु की उपस्थिति में आकर के हम कितना सुंदर गीत गाए हैं, प्रभु को खुशी होगा नहीं, कितना लंबा प्रार्थना करे प्रभु वो प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा प्रभु, है ऐसा योगन्ना 1:47 में नजरेव के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, ये सचमुच इसराइली है, इसके दिल में भाव नहीं, देखा दिल देखने वाला व्यक्ति प्रभु नजरेव के बारे में गवाही देता है, इसकी दिल में भाव नहीं, कपटता नहीं है, आज कितनी प्रकार कपटता लेकर के लोग आते हैं, अपने आप को भक्तिमान शो करने के लिए प्रयास कर रहा है और तक जा रहे, यहाँ पर बोलता है जो अपना कपड़े का चौकसी करता, बोलेगा तो पाप से लड़ता, पाप से लड़ करके है ना, कई पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी लालसा तेरी है बड़े, तुझे उसको जीतना है। उत्पत्ति 4:7 में प्रभु ने काइन को बोला, आपको याद होगा,
वो लड़ाई में तुझे हारना नहीं, लेकिन काइन हार गया, काइन हार गया, वो लड़ाई में काइन हार गया, बाप ने उसको कब्जा किया, इसलिए वो एक हत्यारा बना। कितना भयंकर बात है प्रियो, प्रभु जब चेतावनी देता है वो चेतावनियों को हल्का ना जानना, ना मानना प्रियो है। जो पाप से लड़कर के विजय लेता वो आशीष दे, आशीष। सातवीं आशीषित व्यक्ति लूका 6:22। ये सब एक मतलब शॉर्ट रीडिंग में आपको बता रहा है, इसका बहुत बड़ा विस्तार का उसका अर्थ और बातें है, आप लोग जरूर ध्यान करना। लूका 6:22। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। देखा, वो आशीषित है जो प्रभु की खातिर किन कई प्रकार का कष्ट सहता, प्रभु का खातिर कई प्रकार का कष्ट सहता, निंदा भी आता है, उद्र भी आता है, ना अपमान भी आता है, बहुत कुछ बात आता, वो सब सह लेता। प्रभु बोलता है ओ तुम आशीषित है, तुम आशीषित है। प्रियो प्रभु में होकर के हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात को हमें आनंद से सहना है, खुशी से सहना है, तो हम प्रभु की दृष्टि में आशीषित बनेगा, उसमें हम दुखी और नाराज नहीं होना। और आठवीं बात 84:4। बस बस, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला आशीषित है, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला आशीषित व्यक्ति है ना। भजन संहिता 26 का 8 भी थोड़ा पढ़ेगा, बहुत भजन है, बहुत भजन पढ़ाने के लिए है, लेकिन मैं देखो हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति के प्रति बहुत प्रीति रखने वाला मन होना प्रिय। स्वर्ग देखता है ना, कितनी लोग संगति के बारे में बोलना के ड्राइवर कितना जल्दी उपाय बोलता है, इसके बारे में क्या है कि वो झूठ बोलने के लिए है शैतान को जगह दिया, फिर क्या होगा, सच बोलना प्रिय। पहली बात आपको प्रेम करने वाला ही आपको पूछेगा, उनसे झूठ बोलने करके क्या बता। मैं कई लोगों को पूछना तक उनको बुरा लगता, आप क्यों पूछता, उल्टा उसको धमकी देता है ना, कितना दुख भरा बात है, है? अरे ये पूछेगा तो लोग क्या बोलेगा, अरे कोई नहीं पूछा है? देखो दोनों साइड से थप्पड़ मिलता है, कई लोग बोलता पूछने से बोलता तुम क्यों पूछता है, उल्टा धमकी देता, पूछेगा नहीं तो बोलेगा कोई नहीं पूछता। देखो इतने प्रकार परेशान है, जो भी है हम प्रभु में है तो उसमें भी आनंद लेना क्योंकि यही हमारा भाग है दुनिया में, स्वर्ग में प्रभु सम्मान करेगा, स्वर्ग में प्रभु सम्मान करेगा। और नौवीं बात यशया 30:18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए उचित उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। कई धन्य है वे, कई धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हाँ बोले क्या अर्थ, प्रभु का समय के लिए इंतजार में रहने वाले लोग धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं। प्रियो अनेक बातों में प्रभु क्या चाहता है, प्रभु के समय के लिए वेट करो, एक तो हम अपन जल्दीबाजी मत करो, ऐसा होगा तो और भी वो लेट हो सकता, और भी वादा बढ़ सकता, हम लोग ही खुद अपनी बहुत बातों में रुकावट बन जाता, हमारा समझ ठीक नहीं है। प्रियो प्रभु के समय के लिए इंतजार में रहो। अब्राहम को वायदा मिला तुम्हें मैं संतान दूंगा, बाद में वायदा मिला तुम बहुत जातियों का पिता बनेगा, अरे संतान देगा बोला दिया जी, फिर बाद में बोलते हैं बहुत जातियों का पिता बनेगा, क्या मजाक बात है क्या, कम से कम पहले जो बोला पूरा करो फिर ऐसे बोला करा पर। लेकिन यहाँ पर प्रभु वचन देता है अभी मैं तुझे बहुत जातियों का, इसलिए तो अभी अब्राहम नहीं देगा, अब्राहम देगा,
नाम भी बदल दिया और तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अबराज नाराज हुआ नहीं। देखा यही बात है, हमारे प्रभु ने कहा हुआ एक बातों पर विश्वास करोगे और हम प्रभु के समय के लिए इंतजार में रहो, वो आशीष दे। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशीष दे। प्रभु हम अपने कोई मतलब अपनी इच्छा में अपनी योजना में जाएगा तो आशीष के जगह पर उल्टा श्राप लाएगा, है ना? आपको मालूम है छोटा गड़बड़ी अबराव ने किया, अभी तक वो श्राप हटा नहीं, उसी बात देखा छोट में छोट मारा, शायद प्रभु भूल गया होगा, अपनी थोड़ा सारा का सम्मति हा कर दिया। देखो वीडियो के लिए अभी तक हटेंगे, देखा एक करके रखा अभी तक वो पूरा मतलब एकदम सावधान नहीं। देखो प्रियो हमें सही रीति में हम आशीषित बनना है तो प्रभु का समय के लिए हम इंतजार में रहें। आखिरी देश वो बात भी बोल कर खत्म करूंगा, है ना? जब इब्रानियो सॉरी लूका 11 अध्याय का 28 वचन, लूका 11 अध्याय का 28 वचन, उसने कहा हाँ परंतु धन्य वे हैं, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हाँ सिर्फ सुनते ऐसे नहीं, है ना? हम लोग सुनते हैं, कैसे सुनता? मानने के लिए नहीं सुनता, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। कोई फायदा है? नहीं फायदा। प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो लोग आशीषित है वो लोग है जो वचन सुनकर के मानता है। प्रभु का मानो बाइबल का आखिरी किताब वही बताता है ना, शुरुआत में बोला सुनने वाला सुनाने वाला और मानने वाला तीनों धन्य। पर तो जब प्रकाश के 22 अध्याय का 7 वचन में जब आता है सुनाने वाला भी नहीं सुनने वाला भी नहीं, उसमें जो सुनकर के मानने वाला सर्व रह गया। कौन रह गया? मानने वाला सर्व रह गया, कोई आशीषित है, वो आशीषित है। प्रियो आज जब हम प्रभु का वचन सुनता है वो वचनों को हम पूरा दिल से मानते हैं क्या है? मैं आज आशीषित है क्या? हम जब ये इकट्ठा होता है उन वचन से जरूर प्रभु हमारे जीवन की कमी घटियों को बताता है, और तो हम नया निर्णय लेकर के उसमें बना रह पाता है क्या? ये बात को परखें तो प्रभु देने वाला आशीष ये इस नाशमान या दुनिया का बात नहीं, आनंददा का बात। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं, आप जरूर फरकना भी आप किस आशीष की चाहत देता है? दुनिया की आशीष के पीछे आप भाग रहा है या आनंददा की आशीष के पीछे? आज जरूर लोग अपने सामने चुनौती आता है, अधिकतर लोग आपको मालूम है कई लोग जो है ना उनको पूरा हफ्ता भर में काम नहीं रहेगा, संडे को काम मिलेगा, संडे को काम मिलेगा तो क्या करेगा? प्रभु का संगति छोड़ करके काम पर जाएगा। देखा है उसका जीवन में बार बार ये मुसीबत क्यों आता है तो मालूम है उसने प्रभु को विजय कर दिया, परीक्षा में हार गया। प्रियो कितना भी हमें दाम चुकाना पड़े, हमें कितना भी मान देखो आप प्रभु के लिए जो कष्ट सका वही आपका प्रॉफिट है, आपने जो प्रभु के लिए निंदा सका वही तो आपका प्रॉफिट है। आपको हजारों लोगों ने तारीफ किया प्रॉफिट ही नहीं प्रियो, प्रभु वाले मिल गया ना तेरे को। परंतु जो प्रभु के खाते जो कष्ट सगा निंदा सगा बजरंग सगा वो सब हमारे बेनिफिट, जो नुकसान उठाया जो जो हम नुकसान समझता है वो नुकसान नहीं, वो हमारा ओरिजिनल बेनिफिट है, आनंददा के लिए है। मैं तो आपको बताता है कि मुझे बहुत बार प्रभु ने बात समझाने के कारण मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मैंने बहुत खुशी हुआ, मैं कभी एक नया पैसा का मुझे दुख नहीं आया, मैं बोला प्रॉफिट मिल गया, मैं बहुत खुशी से सबको बोला है कैसे क्या। हाँ ये आपको नहीं बोला, हमारे एक हिसाब रहता है, हमारे एक हिसाब रहता है प्रभु की खातिर सच्चाई की खातिर जो भी हमें नुकसान होता है दुनिया बोलेगा अरे कितना बड़ा नुकसान है, हम बोलेगा कितना बड़ा फायदा है। देखो ये कौन देखेगा,
जिसके आत्मी आगे खुले हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जीवन में बड़े बात हमें कितना कष्ट में गुजरना पड़ता है, इसका मतलब बोलना आपका स्पिरिचुअल लेवल के अनुसार प्रभु आपका परीक्षा लेता है। प्रभु को मालूम है ये अभी काफी आगे बढ़ गया तो इसके जीवन में इस लेवल का परीक्षा भी मैं ले सकता हूं, ऐसे लोगों से लेता है। प्रभु किसी का नुकसान होने के लिए, कोई बर्बाद होने के लिए ऐसा नहीं लेता। हमारा प्रभु में हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी प्रभु परखता है। उस परीक्षा में हम कभी हारना नहीं चाहिए, हमें विजयी होना चाहिए। वो सब हमारे और भी उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए। तो इसलिए हम पूर्ण रूप में रोज रोज स्वर्गीय आशो में बढ़ते जाना। प्रभु ने हमें 3:1 का तीसरा वचन के अनुसार स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीष प्रभु ने हमें दिया है, उसका सही अनुभव में होकर के आगे बढ़ना। तो प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको और भी बहुत आशीषित करे, और भी बहुत आशीष को अनुभव कर पाए और प्रभु का महिमा हो पाए। प्रभु को महिमा देता हूं।